देखिए गाइस, पता नहीं गम में क्यों है, क्या हो गया हो, क्या के दुखा गई तार कहने यार है तो कूलिंग पैड के ऊपर आहा फर फुट गो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम चकाचक हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका आज हमारे नए व्लॉग में। आज हम आपको बताने वाले हैं इसी फार्म। इसी फार्म कहते क्यों हैं, क्या होता है इसी फार्म, इसी फार्म की बैकबोन हम आपको आज दिखाने वाले हैं। किस लिए इसको इसी फार्म बोला जाता है वो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। इसी फार्म का मतलब होता है एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री फार्म। सो गाइस, इसके अंदर का तापमान हम अपने हिसाब से, जो बर्ड को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अंदर का जो तापमान है वो मेंटेन करते हैं, इसलिए इसको इसी फार्म बोला जाता है। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था इसी के बारे में, तो आज हमारे जो 30 फीट इस साइड से और 30 फीट उस साइड से, तो हमारा इसी का काम शुरू हो चुका है। हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसी को, देखते हैं। मेरे ख्याल से शाम तक इस साइड तो हो ही जाएगा, कैसे कैसे होगा मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले हमने ये देखे 8 इंच का ये पाइप है, ऊपर से काटा है। इसके ऊपर एक सीट लगेगी और उसके ऊपर जो है कूलिंग पैड फिक्स होंगे। देखे इतना मोटा 8 इंच का पाइप। देखिए गाइस, पाइप को काट के पाइप के ऊपर से बेस लगा दिया गया है। बेस के ऊपर जो है कूलिंग पैड रहेगा, इसका बेस बन गया है पूरा। देखिए गाइस, ये जो पाइप है इसमें होल्स रहते हैं, ये कूलिंग पैड के ऊपर लगेगा। इन होल्स से पानी सारे कूलिंग पैड के ऊपर जाएगा और कूलिंग पैड के ऊपर फर फुट गो। ये जो पाइप है कूलिंग पे यहाँ पे फिक्स होगा, तो उससे जो है फिर देखिए कूलिंग पैड के ऊपर जो होल है इसमें पाइप को बिठाएंगे, उससे सारे कूलिंग पैड में पानी जाएगा और ये पानी कूलिंग पैड में जाएगा 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 और ये सब नीचे आएगा, नीचे से पाइप में जाएगा, पाइप के बाद टैंक में जाएगा, फिर रिसाइकल होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो फार्म के अंदर जाएगी, एसी का काम करेगा। तो ये देखिए गाइस, कूलिंग पैड इंस्टॉल होने लग गए हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कूलिंग पैड को इंस्टॉल किया जा रहा है। ये अलग से बने हुए आते हैं, मेरे ख्याल से 2 फीट चौड़ा है ना अंकल, ये 2 फुट बाई 6 फुट, हाँ 2 बाई 6 फीट के पैड्स बने हुए आते हैं और सब सिस्टम आता है इनका, बस इनको बढ़िया से इंस्टॉल कर देना है।
देख ये एरिया पूरी ऐसे ही पैक हो जाएगी, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ से पूरा एल शेप में, पूरा जहाँ तक जाली है कॉटन तक। देखिए गाइस इस साइड का जो पैड है इंस्टॉल हो गया, और इसमें जो ऊपर का जो एक गैप बच रहा है इसको भी हम चादर से इसको भी क्लोज कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट क्लोज, जिससे कि ओनली हवा इसी रास्ते आए और ठंडी होके आए, और उस हवा को जो एग्जॉस्ट फैन लगे हैं उस कॉर्नर में उस सारे फार्म में फैला दें, जिससे कि चिक्स बहुत हेल्दी रहेगा। हमने ये चादर लगा दी है ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि नीचे से तो हमारा पर्दा कवर कर लेगा, और ऊपर से चादर और पर्दे के बीच में जो गैप हो रहेगा उसको फिल करने के लिए हमने 1.5 फुट की पट्टी ये चादर लगा दी है। तो पूरे फार्म में लगेगी, दोनों साइड से पूरे फार्म में लगेंगी, जिससे हमारा फार्म फुली पैक हो जाएगा, फुली एयर पैक। देखिए गाइस पता नहीं गम में क्यों है, क्या हो गया हो, क्या के दुखा गोई तोर कहना यार है, वो बड़ा सुनसान बैठ रहा है जानी की तरह दुखा गो। दोस्तों जो दूसरी साइड के जो कूलिंग पैड हैं वो कल लग जाएंगे, हमने अभी खाली 30 फीट में ही कूलिंग पैड लगाया, आज इतना ही हो पाया, और जो नेक्स्ट 30 फीट है वो कल इंस्टॉल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर ही मिला होगा, आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोज आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग, बाय बाय।